अच्छा जो इधर ऐसे करके खड़ा हुआ है। हाँ। चलो कोई नहीं, आ जाओ भैया, वो कैमरे पे आना नहीं चाह रहा यार। हेलो रिवान, सभी का स्वागत करता हूँ अपने एक नए YouTube वीडियो में। दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त इसरार, और आप देखना शुरू कर चुके हैं इसरार ए टू जेड। दोस्तों जैसा आप सभी को पता होगा कि मैं आपको इस चैनल पे नौकरी के बारे में बताता हूँ, नए नए कंपनियों के बारे में बताता हूँ, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताता रहता हूँ। तो अभी इस समय हम इंडस्ट्रियल एरिया में हैं और आज हम आपको एक नई जॉब के बारे में बताने वाले हैं। जैसा देख रहे होंगे आज तीन धुरंधर रिक्रूटर और इसमें एक ऑनर भी मौजूद है हमारे साथ, और आपको रोज़गार देने का काम करने वाले हैं। टोटल इलेक्ट्रॉनिक कंपनियाँ इनके पास अवेलेबल होती है और बहुत सारे लोगों से ये टाई अप भी इनका है कंपनियों से, और बहुत सारी वैकेंसियाँ अवेलेबल भी होती है। तो अभी हम बातचीत भी करते हैं कि आखिर किस टाइप की वैकेंसी निकली। उससे पहले मैं बता दूं कि ये जॉब बिल्कुल भी निशुल्क है, इसमें किसी प्रकार से आपको पैसा नहीं देना है, निशुल्क जॉब होने वाला है। और सबसे पहले सर आपका नाम जानना चाह रहा हूँ। हाँ जी सर, मेरा नाम दीन मोहम्मद है। कहाँ रहने वाले हो सर? मैं क्या कहते हैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। प्रॉपर यहीं दिल्ली के रहने? हाँ जी हाँ जी। आपके फर्म का क्या नाम है सर? सर SVR प्राइम मैनेजमेंट। SVR जी सर, SVR। तो अभी मोस्टली कितनी कंपनियाँ होंगी इनके पास सर? करीबन इनके पास 7-8 कंपनियाँ हैं। 7 से 8 जी कम। तो वैकेंसी रेगुलर चलती रहती है? हाँ सर, वैकेंसी रेगुलर चलती रहती है, कभी किसी में कभी किसी में। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हम किस कंपनी के लिए, मतलब क्या बनाती है कंपनी, किस कंपनी के लिए बात? अभी हम बात कर रहे हैं सर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के लिए, जो कि इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बनाती है, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, सैमसंग के, नोकिया के टैब वगैरह, एयरबड्स, स्मार्ट वॉच, ये सब बनाती है। ओके। जी, तो ये एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए हम बात करने वाले हैं। जी सर, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। तो जी इसमें बात करें किस किस टाइप के, किस किस क्वालिफिकेशन के कैंडिडेट आ सकते हैं? सर इसमें क्या कहते हैं, 10वीं 12वीं ITI इलेक्ट्रिक से, डिप्लोमा इलेक्ट्रिक से ये बच्चे आ सकते हैं। ओके। अच्छा, ये जॉब फ्री होता है या फिर कोई पैसा देना होता है तब जाके जॉब मिलती है? नहीं सर, ये जॉब फ्री है, इसमें कोई आपको पैसे नहीं देने हैं। तो इसका मतलब है सिर्फ उनको रूम का लेके आना है पैसा, और कुछ अपने खर्चे का पैसा लेके आना है, बाकी जॉब के नाम पे कोई पैसा किसी को नहीं देना है। अगर हम बात करें क्या सैलरी क्या अर्न कर लेते हैं अगर बात करें, तो उसके बाद फिर सैलरी बात करते हैं। सर अगर एम्प्लॉय काम कर रहा है, चाह रहा है, काम कर रहा है, तो वो आराम से 16-17-18 हज़ार रुपये मिनिमम, 15,000 रुपीज़ वो उठा सकता है सैलरी मिनिमम 15। जी 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 जी। उसके बाद अगर ज़्यादा करता है तो फिर ज़्यादा अर्निंग कर सकता है। जी जी। काम कैसा है सर अंदर का? सर अंदर स्टैंडिंग वर्क है, खड़े होकर काम होता है। अच्छा, जी अच्छा। कोई प्रेशराइज या टारगेट? नहीं सर, टारगेट प्रेशराइज कुछ नहीं है। बाकी हाँ ये है कि आपको जैसे शाम को 1.5-2 घंटे का ओवर टाइम वगैरह अगर होता है तो वो कंपलसरी करना होता है। अच्छा, जी हाँ। देखिए अगर ओवर टाइम हम करते हैं तो जाहिर सी बात है कि भाई हमारा जो अर्निंग है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अच्छा जैसा कि अगर हम बात करें क्या सैलरी क्या हो जाती है अगर क्वालिफिकेशन के हिसाब से बात करें? सर क्वालिफिकेशन के हिसाब से अगर आप 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन वालों की देखें तो 10,871 है, ITI वालों की देखें तो 11,712 है, डिप्लोमा वालों की 13,187 रुपये है। जी, ये 8 घंटे का राइट? जी 8 घंटे का है, 8.5-5 की शिफ्ट है, डे में भी और बॉयज़ के लिए नाइट में भी। अच्छा अच्छा जी। बाकी अदर इंसेंटिव या बेनिफिट क्या होने वाला? उसके अलावा सर आपके अवार्ड्स हैं, पंचिंग अवार्ड है, अटेंडेंस अवार्ड है, नाइट अवार्ड है। जी इस तरीके के तीनों अवार्ड मिला के आपके करीबन 3,500 रुपये के अवार्ड पड़ जाते हैं सर। 3,500? जी जी जी। पर महीने? जी पर मंथ सर। तो ये सैलरी में फिर तो ये ऐड हो जाएगा जी? जी जी जी, है ना जी। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी की 12,000 रुपये है तो 3,500 ये ऐड होगा तो 15,500 तो ऐसे। हाँ जी हाँ जी, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मिनिमम 15,000 है ना। बिल्कुल सर, 8 आवर्स का है। जी जी जी। और अगर OT लगाते हैं तो भाई तो अलग होता है। जी बिल्कुल सर बिल्कुल। OT सिंगल होता है सर, डबल होता है? सर OT हाँ, अभी इस कंपनी में सिंगल है सर, बाकी हमारी और भी कंपनियाँ हैं जिसमें किसी में डबल होता है, किसी में अलग अलग प्राइस होते हैं, बाकी इसमें भी सिंगल है, सैलरी के अनुसार है। इसमें सैलरी के अनुसार ही है। जी तो टोटल जो वर्क होने वाला है इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में, वर्क होने वाला है, वर्क करने वाले हो आप, सैलरी अच्छी होने वाली है, यहाँ पे लोकल कैंडिडेट क्या आ सकते हैं क्या? हाँ सर अभी तो क्या कहते हैं लोकल कैंडिडेट आ सकते हैं। बाकी सर ये इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बनाती है कंपनी, इसमें बच्चों को आगे बढ़ने का भी भविष्य होता है। अच्छा जी, इसमें क्वालिटी है, SMT है, उसके अलावा सोल्डरिंग है, ऐसे बहुत सारी बच्चों को अपॉर्चुनिटी होती है जो वो काम सीख के अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ बिल्कुल राइट जी। क्योंकि देखो काम करेंगे तो सीखेंगे, और नहीं करेंगे तो कहाँ से सीखेंगे। तो सर से बातचीत करें बहुत अच्छा लग रहा है, और DK जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं सर आप? जी मैं ठीक हूँ। और सुना सुबह ही आज आ गए थे आप ज्वाइनिंग कराने? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आज कितनी सच्चाई है इन बातों में, मतलब सुबह आप आ गए थे मैंने सुना जैसे? हाँ जी मैं सुबह ही आ गया था। हाँ जी बताइए, लड़कों के प्रति इतना ईमानदार है कि भाई मुंह भी नहीं धोया और डायरेक्ट यहीं चले आए, कैसा जी? हाँ सच है, मेरे से लग रहा होगा भाई मेहनत काफ़ी ये कर रहे हैं अपने कंपनी को लेके और कैंडिडेट को लेके, और करना भी चाहिए क्योंकि जो बंदे दूर दराज से आते हैं हमारे भरोसे पे, उनको भाई हम परफेक्ट वहाँ कंपनी पे मिलने चाहिए,
नहीं, इनका भी नाम खराब होगा हमारे चैनल का भी, जी बिल्कुल। तो आज कितने बंदों की ज्वाइनिंग आपने कराई है कंपनी? आज 18 बंदों की, टोटल 18 बंदों की। इसमें लड़कियां थी या टोटल लड़के? इसमें 8 लड़कियां थी, 10 लड़के। अच्छा, तो लड़के लड़कियां दोनों की जी। तो क्या सैलरी क्या फिक्स कराई गई इंटरव्यू अगर हुआ तो उनका? उन्हों की वो हाई स्कूल इंटर थे ना, तो 10,871 8 घंटे की टोटल। अब फ्रेशर के ही उस पे गए हैं क्या? जी जी जी, फ्रेशर थे, फ्रेशर के ही। तो जॉब तो ठीक है ना, बंदे करने लायक है ना? कोई दिक्कत नहीं है, इजी है, कोई हार्ड काम नहीं है। स्टैंडिंग वर्क है, बस खड़े होकर काम, बस इतना ही है स्टैंडिंग वर्क। वाद आगे काम कोई हार्ड नहीं है। अच्छा, कैंटीन और बस की क्या सुविधा होने वाली है सर? बस फ्री है। अच्छा, कैंटीन में 16.50 रुपये कटते हैं। अच्छा, 16.50 रुपये? हाँ, वो 16.5 रुपये कैसे पर डे कटते हैं? वैसे ठीक है, क्योंकि भाई नॉर्मल तरीके से अगर हम बात करें तो 10-12 रुपये में तो चाय और बिस्किट वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्नैक्स वगैरह सब है उसमें, सब 16.5 रुपये में। हाँ, चाय है, 2 टी ब्रेक है, दो टी ब्रेक है, स्नैक्स वगैरह, वो सब 16.5 रुपये में। अच्छा, 16.5 रुपये खाना भी है। हाँ, टोटल है ना। तो बहुत अच्छा जॉब होने वाला है, और रियली बताऊं तो भाई आपके अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी है, और SBR से ही है ये, और SBR का ही को ही डॉक्यूमेंट देना आप, रियली बता दूं। अच्छा, इसमें क्या जैसे कि इंटरव्यू वगैरह में क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं? नॉर्मली क्वेश्चन होते हैं, पूछा जाता है पहले कहीं काम किया है नहीं किया है। अच्छा, हेलो जी भैया, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं सर? जी सर, बढ़िया हूँ सर। अच्छा, बस आपकी वीडियो देख के मैंने अभी जस्ट आपने जो बोला ना, जो HRs के नंबर डिस्क्रिप्शन में लिए, तो उससे कॉल किया मैंने जॉब के लिए। अच्छा अच्छा, तो क्या हुआ आपका? जी भैया बुला रहे 1 तारीख से पहले आ जाइए, बाकी मैं बस डिटेल्स ही ले रहा था, तो उन्होंने कहा कि साथ में खड़े हैं जिनका आपने वीडियो देखा था। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, क्योंकि मैं भी यहीं आया था ना शूट करने, तो मैंने कहा कि जो है कि थोड़ा सा चीजें कर ले, है ना। अब बात सर, अब पर डे हर नई नई कंपनियों में जाके विजिट करके वीडियोस क्रिएट करते हैं? हाँ यार, वीडियो करता ही रहता हूँ यार हर कंपनी में, क्योंकि हम चाहते हैं ना भाई जो भी आप लोग बेरोजगार है भाई आपको जॉब दिलाएं। अच्छा, और आपको बस ये तसल्ली रहे, भरोसा रहे कि हमारे लिए एक बंदा खड़ा है जो हमें फ्री में आपको जॉब दिलाएगा। जी जी जी, कई बार क्या होता है ना कि फ्रॉड भी निकल आते हैं, ऐसे आपका मतलब बात से मतलब मेरे को सही लगा तो मैंने इनसे भी बात करी अभी। बिल्कुल 100% रियल है साहब, आप बेफिक्र आग बंद करके आओगे ना तो भी कंपनी में ज्वाइनिंग होगा। अच्छा ठीक है। तो सर मैं ये पूछ रहा था जैसे कि इसमें रहने और खाने का क्या है सर, मतलब कि रूम चार्जेस लगेगा कि मेरे को लगाना? हाँ देखिए, एक्चुअली क्या है, रूम तो आपका खुद का होता है, शेयरिंग में लेते हैं तो 1,000 से 1,500 रुपये होता है। देन खाने की बात करें, कंपनी में ब्रेकफास्ट वगैरह सारा कुछ अवेलेबल होता है। अच्छा। हाँ, दोपहर का नाश्ता वास्ता भी होता है वन टाइम, रात और रात का आपका खुद का करना होगा। अधिक अच्छा, जानकारी अच्छा, के लिए ये है ना, इनसे बात कर लोगे तो बता देंगे। बाकी सर मैं इन्हीं के सवाल को आगे कर देता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रहने के लिए जो ऐसे कहा इन्होंने, तो अभी एक सुबह हमारे भाई आए हुए हैं, ये बलिया से आए हैं सुबह जी, 7:30 बजे इन्होंने फ़ोन आ गया, सर मैं कश्मीरी गेट पे हूँ। मैंने उन्हें रास्ता वगैरह बताया, उन लोगों को डिटेल बता के उन लोगों को यहाँ बुलाया, उन्होंने भी इंटरव्यू करा दिया है हमने HR सर से, तो उन्होंने लिख दिया है कि ठीक है, जो भी इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटो कॉपी वगैरह, 2 पासपोर्ट साइज़ के फोटो जरूर लेके आएँ, क्योंकि एक फॉर्म आपका क्या कहते हैं, एक फोटो फॉर्म पर लगता है और एक का आई कार्ड बनता है। हाँ जी, तो अभी हम इन्हें क्या कहते हैं रूम वगैरह अरेंज कराएंगे, रूम दिखाएंगे, फिर ये आज नाइट से ज्वाइनिंग करेंगे। गुड, देख कितना अच्छा इन्होंने काम किया है। ये बता दो, ये बंदा कश्मीरी गेट, दिल्ली के अंदर कश्मीरी गेट में थे, फिर इन्होंने कोऑर्डिनेट किया, और कोऑर्डिनेट करना भी चाहिए। अभी जो मैं वीडियो डालूंगा इनका ही नंबर डालूंगा, पर्सनली इनका नंबर डालूंगा, तो भाई इनसे आप बात करना। राजीव नाम है ना इनका साहब? राजीव लड़के, अभी आप कहें तो मैं इन्हें बुला दूं। की बोलिए सर। जैसे जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जैसे आधार कार्ड पैन कार्ड होता है, ज़्यादा ही गरीब घर से होते हैं, तो वो आधार कार्ड पैन कार्ड से भी आ सकते हैं, उनकी भी जॉब लग जाएगी। आधार कार्ड पैन कार्ड बैंक अकाउंट, ये 3 चीज़ें ला लेके आ सकते हैं, उनकी जॉब लग जाएगी। इनसे भी हो जाएगा? जी जी, उनसे भी हो जाएगा। अगर कम पढ़े लिखे हैं तो भाई उनका भी आप करा दो। नहीं हो सकता है जिन लोगों का, तो उनका भी हो। अंदर ही रहते हैं, कंपनी के अंदर रहते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। कैसे हैं सर आप? ठीक है सर। तो जैसा आप अंदर रहते हैं तो अंदर का इन्वायरमेंट कैसा है, माहौल कैसा अंदर का? माहौल का ठीक रहता है सर, नॉर्मल माहौल रहता है। मतलब जो बच्चे न्यू आते हैं जैसे गांव से, तो उन्हें 2-4 दिन तक दिक्कत होती है, बाकी जैसे वो 10 से 15 दिन काम करते हैं उसके बाद वो अपना ढल जाते हैं वैसे माहौल में। क्योंकि देखो यार, जो दूर दराज से आते हैं या फ्रेशर होते हैं, उनका काम में मन नहीं लगता, और एक तो अपना घर परिवार छोड़ कर आते हैं, एक तो काम करना और उसके बाद घर परिवार को छोड़ना, दूसरी फ्रेशर होना, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है, इसलिए बच्चे थोड़ा मन नहीं लगता, लेकिन लगाना पड़ता है। अच्छे काम में कभी मन नहीं लगता, ध्यान रखना, किसी भी चीज़ में हो, पढ़ाई मन लगता है नहीं लगता, सीखने में मन लगता है नहीं लगता,
गलत चीजों में पिक्चर दिखा दो मन लगेगा सब। बिल्कुल सर, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सर, तो वही चीज है भाई, अच्छे काम को आप करना सीखो। और जैसा कि ये विक्रम जी हैं, अंदर का एनवायरनमेंट तो ठीक है ना? हाँ, मैं ही अंदर का इम्प्लांट जो हूँ मैं ही रहता हूँ अंदर, बाकी जो लोग बाहर से लोग हमारे मतलब ग्राउंड के लोग हैं बुलाते हैं, बाकी अंदर का जो प्रॉब्लम होती है बच्चों को वो मैं ही सॉल्व करता हूँ उनकी, जैसे काम प्रॉब्लम हुई या कुछ भी उन्हें दिक्कत हो रही है तो वो मैं ही सॉल्व करता हूँ उनकी। सैलरी वगैरह टाइम टू टाइम? हाँ, सेम टू टाइम, टाइम टाइम। कितने तारीख सैलरी? हमारे वैसे 7 से 10 तारीख तक टाइम रहता है, लेकिन मैक्सिमम 7 से 8 तारीख में सैलरी पहुंच जाती है। 7 से? हाँ, नॉर्मल 7 से 10 भी ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं, मतलब 10 होता ही नहीं कभी, मतलब हम 10 देते, जैसे कोई संडे पड़ गया या कोई त्यौहार पड़ गए तो उसकी वजह लास्ट 10 देते हैं, बाकी हमारी 7 से 8 तारीख को सैलरी पहुँच जाती है। 7 से 8 नॉर्मल। तो विक्रम जी से बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। सर कहाँ गए वो? आ जाओ ना, फोन ही लगा दो, आप फोन लगा दो। अच्छा, जो इधर ऐसे कर खड़ा हुआ है, चलो कोई नहीं, आ जाओ भैया। वो कैमरे पे आना नहीं चाह रहा यार, एक्चुअली क्या है ना कि जॉब तो लग गई उसके, एक्चुअली जॉब नहीं लगी होती तो बड़े बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब जॉब लग जाती है तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम होता है, उनको कैमरे पे आना नहीं चाहते। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ यार, अपना फीडबैक देने में क्या प्रॉब्लम है कि भाई जॉब लग गई है उनकी, हमारे वीडियो से लग गई है तो आएँ, लोगों को बताएं और लोगों को मोटिवेट करें और लोग आएँ, ठीक है। अब बंदे ये भी सोचेंगे जो हमारी ऑडियंस की जॉब लग नहीं रही है, भाई जिनको जॉब लगता है वो तो वीडियो देखना भी छोड़ देते हैं, साथ ही साथ अपना फीडबैक भी देना छोड़ देते हैं, कमेंट भी नहीं करते कि सर भाई आपकी वजह से जॉब लग गया। कोई बात नहीं दिन मोहम्मद साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बस आप इसी तरीके से कोऑपरेट करिए, लोगों को जॉब दिलिए, इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब आप भी तरक्की करोगे, लड़के भी तरक्की करेंगे और आपकी कंपनी भी तरक्की करेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो, नया अपॉर्चुनिटी के साथ, रखिएगा अपना ख्याल, नई वीडियो के लिए तब तक के लिए बाय।